हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2016 में आई एक हाइस्ट मूवी फोर फेसिंग द बैंक को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स पीटर को देखते हैं, जो कि एक ज़माने में एक बहुत ही अच्छा जर्मन एक्टर हुआ करता था और उसने काफ़ी सारे पॉपुलर टीवी शोज में काम किया था और उस वक्त उसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। पर अब यहाँ पर उसके दिन ढल चुके हैं और अब वो एक फ्लॉप एक्टर बन चुका है, जिसे काफ़ी कम पैसे मिलते हैं और वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। यहाँ पर उसे सेट पे भी कम पैसे देकर के निकाल दिया जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्रिस के ऊपर। क्रिस एक बॉक्सर था और वो भी एक अच्छा बॉक्सर होता है, पर अब यहाँ पर उसकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी होती है और अब वो बॉक्सिंग को और वक्त तक कंटिन्यू नहीं कर सकता है। इसीलिए उसका सपना होता है कि वो अपना एक बॉक्सिंग क्लब खोले। क्रिस की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसकी शादी किसी और से हो चुकी थी और ये उसका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है मैक्स के ऊपर और ये वही सेबेस्टियन है जो कि द आर्मी ऑफ द थीफ में था और यहाँ पर वो फिर से बैंक में चोरी करने के लिए आ गया है। यहाँ पर वो एक एड कंपनी में बहुत मेहनत से काम करता है, पर यहाँ पर जब भी प्रमोशन मिलना होता है तो किसी और को दे देते हैं और उसे प्रमोशन नहीं दिया जाता है। इसी बात से पगला कर वो वहाँ पर बदतमीजी कर देता है, जिसके बाद उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अब घर जाकर उसका उसकी फैमिली से इस बात के ऊपर झगड़ा होता है और फिर वो बोलता है कि उसने हमेशा से अपनी सैलरी से पैसे बचाए थे और अब उसके पास इतने पैसे हो गए हैं कि वो अपनी खुद की कंपनी खोल सकता है। और ऐसा बोलकर वो अपने पिता को अपने टैब में दिखाता है कि उसने 6,000 से भी ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, जिसकी प्राइस बहुत हाई है, तो इसकी वजह से उसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। पर अब यहाँ पर उसके पिता देख कर के बताते हैं कि उसका सारा पैसा डूब चुका है और अब उसके पास सिर्फ 20,000 यूरोज बचे हैं, जो कि उसके इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा कम है। ये देख कर के उसे झटका लगता है और इसी सेम वक्त में क्रिस को और पीटर को, इन दोनों ने भी उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, तो इनको भी बहुत बड़ा वाला घाटा हो जाता है और अब सभी लोग कंगाल हो जाते हैं। तो ये लोग वहाँ से बैंक में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को, जिसका नाम होता है टोबियास। टोबियास अपनी लाइफ में एक लूज़र होता है और कोई भी उससे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता है। उसका बॉस भी उससे परेशान होता है, क्योंकि बाकी सभी बैंक्स में इन्वेस्टमेंट के थ्रू उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, पर यहाँ पर टोबियास के कहने से कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है। और अब ये तीन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था तो उनका भी घाटा हो चुका था। अब टोबियास यहाँ अपने बॉस को बताता है कि उसे शेयर मार्केट की रेगुलर अपडेट नहीं मिलती है, उसे ईमेल्स नहीं आते हैं। तो उसका बॉस उसे दिखाता है कि सारे ईमेल्स आए होते हैं। असल में ये प्लान उसके बॉस का ही होता है और उसने जानबूझकर ईमेल्स नहीं भेजे थे और अब यहाँ पर सबूत के तौर पर अब ईमेल्स भेज दिए थे, ताकि उन्हें टोबियास को जॉब से निकालने का एक रीज़न मिल जाए, क्योंकि टोबियास उनके लिए कोई भी प्रॉफिट कमा करके नहीं दे रहा था और उसके साथ वह ऐसा एग्रीमेंट साइन कर चुके थे जिसकी वजह से वो उसे जॉब से खुद से नहीं निकाल पा रहे थे। और अब टोबियास को ये जॉब छोड़नी पड़ती है और उन तीनों लोगों को बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकल कर वो लोग एक बार में जाते हैं और यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें टोबियास मिल गया तो वो उसकी हालत ख़राब कर देंगे। और यहीं पर उन्हें टोबियास भी दिख जाता है, जो कि उसी बार में बैठा होता है। तो वो लोग उसका पीछा करते हैं उसके फ्लैट तक और फिर वो लोग उसे एक चेयर पे मार करके बिठा देते हैं। यहाँ पर उन सभी लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो टोबियास उन्हें सच सच बता देता है कि उसके बैंक के डायरेक्टर की वजह से उनका सारा पैसा डूब गया है और ये सारी साजिश उसी की थी। पर यहाँ पर इन सभी लोग की भड़कीली बातों को सुनकर टोबियास घबरा जाता है और वो विंडो से छलांग मार देता है। पर यहाँ पर विंडो के नीचे भी एक छत बनी होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है और उसे थोड़ी बहुत चोट लगती है, पर वो मरता नहीं है। अब वो लोग उसे अंदर लेकर के आते हैं, जहाँ पर पीटर उसे बैंक के बारे में पूछना शुरू करते हैं। तो वो उसे बताता है कि बैंक में हर हफ्ते एक मूविंग डे होता है, जब सारे पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा वो और भी अच्छी अच्छी डिटेल्स उन्हें बताता है। तो उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बैंक में रॉबरी करेंगे, क्योंकि बैंक ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया है। पहले तो यहाँ पर मैक्स रेडी नहीं होता है, पर बाद में वो भी रेडी हो जाता है और इसके बाद इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। ये प्लानिंग करने के लिए ये लोग पीटर के घर में जाते हैं और वहाँ पर इन्हें उस बैंक का ब्लूप्रिंट भी मिल जाता है, जो कि क्रिस लेकर के आया होता है।
यहाँ टोबियस उन्हें बताता है कि वॉल्ट को ओपन करने के लिए उन्हें कोड लगेंगे जो कि वाइस मैनेजर को पता होंगे। तो अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक बार पहले बैंक में विजिट करेंगे। तो अब नेक्स्ट सीन में हम बैंक को देखते हैं जहाँ पर अचानक से एक पागल आदमी आ जाता है और हाथ में चॉकलेट को गन की तरह लेकर वहाँ पर फालतू की बकवास करने लगता है। असल में ये आदमी इन्हीं का सेट किया हुआ होता है और इसका काम होता है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना। और इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वो लोग देख लेते हैं कि पुलिस को आने में 4 मिनट का वक्त लगता है। साथ ही में यहाँ पर जो उनका वाइस मैनेजर होता है वो टाइम का काफ़ी पक्का होता है और वो एक फिक्स टाइम पे वॉशरूम जाता है। अब यहाँ पर जब वो लोग पुलिस को बुलाते हैं तब यहाँ पर एलिजाबेथ आती है जो कि ऐसी बैंक रॉबरीज की एक्सपर्ट होती है। तो यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि वो एक पागल होता है और यूं ही बैंक में घुस गया होता है, पर फिर भी एलिजाबेथ को शक हो जाता है कि जल्दी ही यहाँ पर कोई बैंक रॉबरी हो सकती है। साथ ही में यहाँ पर टोबियस बैंक के अंदर जाकर वहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चाबियों के इंप्रेशन ले लेता है जिनकी उन्हें भागने के वक्त में ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम नेक्स्ट सीन में क्रिस को देखते हैं जिसे रास्ते में उसके 2 दोस्त मिलते हैं जो कि काफ़ी वक्त से जेल में थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग एक ऐसी पार्किंग में जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी कार्स होती हैं। तो यहाँ पर टोबियस एक कार को चुरा लेता है। यहाँ पर टोबियस जो भी काम कर रहा होता है चोरी से रिलेटेड, वो सारे काम उसने एक शो को देख करके सीखे थे जिसका लीड एक्टर पीटर था। अब यहाँ पर वो लोग कार स्टार्ट करके जाते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें गार्ड रोक लेती है, पर वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से बच के निकल आते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग वापस से घर आकर अपनी बची हुई प्लानिंग करते हैं, पर यहाँ पर बैंक के अंदर टोबियस का कोई भी रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर पीटर उसे बोलता है कि क्योंकि वो उसी बैंक का पहले एम्प्लॉय रह चुका है तो उसके ऊपर शक हो सकता है, इसीलिए वो चोरी में उनके साथ नहीं आएगा। इनफैक्ट वो किसी ऐसी भीड़ जैसी जगह पर रहेगा जहाँ पर उसे फुल अटेंशन मिले ताकि उसके पास काफ़ी सारे विटनेस हो। तो वो ये बात मान जाता है और फिर आ जाता है उनका चोरी वाला दिन। यहाँ पर वो तीनों लोग बैंक के अंदर अपना पूरा रूप बदल करके जाते हैं ताकि उन्हें कोई भी पहचान ना पाए। यहाँ पर क्रिस वही पागल का रूप लेकर के गया होता है जहाँ पर वो पागलों की तरह एक बार फिर से चिल्लाने लगता है। और थोड़ी देर में जब वाइस मैनेजर अपने वॉशरूम में जाता है तो पीटर जल्दी जल्दी उसके पीछे जाता है और वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर उससे कोड्स पूछता है। यहाँ पर उनके पास गन्स भी होती हैं पर पीटर ने बताया था कि इसके अंदर नकली बुलेट है, तो वो उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे कोड्स ले लेता है। तब तक क्रिस जाता है और क्योंकि उसे बॉक्सिंग आती है तो वो 2 दरवाजे वाले गार्ड्स को मार करके बेहोश कर देता है। और इसके बाद वो लोग अपनी गन्स बाहर निकालते हैं और हर किसी को ज़मीन पर बैठने के लिए बोल देते हैं। अब यहाँ पर उनकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती है तो यहाँ पर एक फ़नी सा मूवमेंट हो जाता है क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं। अब क्रिस यहाँ से निकल जाता है गाड़ी लेने के लिए और अब यहाँ पर पीटर और मैक्स होते हैं और उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। पीटर कहता है कि वो यहाँ पर रुकेगा और मैक्स को जाकर के अंदर से पैसे लाने हैं, जबकि मैक्स उल्टा बोलता है। फिर फाइनली वो लोग डिसाइड करके पीटर को अंदर भेज देते हैं। तो अब जब पीटर वॉल्ट में कोड डाल रहा होता है तो वो 1 नंबर भूल जाता है और इसके बाद वो फिर से वॉशरूम में बैठे हुए वाइस मैनेजर के पास जाता है, आखिरी नंबर लेता है और फिर जाकर वो वॉल्ट ओपन करता है। फिर वो 2 बैग में पैसे भरने लगता है और दूसरी तरफ यहाँ पर गलती से मैक्स शूट कर देता है और तब उसे पता चलता है कि उसमें असली बुलेट है और ये देख करके वो डर जाता है। तो वो जल्दी से इसके बारे में बात करने के लिए पीटर के पास जाता है तो फिर पीटर उसे बताता है कि उसके अंदर असली बुलेट्स हैं और इस बात पे उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। जब लड़ करके मैक्स बाहर आता है तो उसके हाथ से गन गिर जाती है और कोई और उसे उठाने वाला था, पर तब तक वहाँ पर पीटर पैसे लेकर के आ जाता है और वो लोग गन उठा करके वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर क्रिस से कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है पर फिर भी वो जैसे तैसे करके कार शुरू करता है और लेकर के आता है, पर अब यहाँ पर एक बार फिर से कार बंद हो जाती है तो फिर पीटर को और मैक्स को धक्का लगाना पड़ता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टोबियस एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक रिलीजियस कार्यक्रम चल रहा होता है और यहाँ पर वो न्यूड होकर के सबके सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो हेडलाइंस में आ जाता है और अब उसके पास काफ़ी सारे विटनेस हो जाते हैं। यहाँ पर उसे थोड़ा बहुत वार्न करके छोड़ दिया जाता है और अब हम नेक्स्ट सीन में इन सभी लोग को साथ में देखते हैं जो कि मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है वापस से बैंक में जहाँ पर अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एलिजाबेथ आ चुकी होती है और वो यहाँ पर काफ़ी स्मार्टली इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है,
साथ ही में उसने क्रिस के हाथ में बने हुए एक टैटू को देख लिया होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है वापस से उनकी पार्टी में, जहां पर वो लोग डांस करते करते ब्लू लाइट ऑन कर देते हैं। पर तभी उन्हें समझ में आता है कि उन सभी के चेहरों पे कुछ पाउडर लगा हुआ है। और अब उन्हें पता चलता है कि उन सभी नोटों में पाउडर लगा हुआ था, तो अब वो इन नोटों को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वो कहीं पे यूज़ करेंगे पुलिस को पता चल जाएगा। ये पाउडर लगाने का आइडिया एलिजाबेथ को होता है, क्योंकि जब पहली बार वो पागल यहाँ पर आया था उसी वक्त एलिजाबेथ को पता चल गया था कि यहाँ पर जल्दी ही कोई रॉबरी होने वाली है और ये पागल का आना भी उन्हीं लोगों का प्लान होगा। अब ये लोग वापस से उसी बार में जाते हैं और आपस में ही झगड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर टोबियस को एलिजाबेथ का कॉल आता है। ऐसे करते करते क्रिस को और पीटर को, इन दोनों को भी कॉल आ जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग वहाँ पर पूछताछ के लिए बैठे होते हैं। टोबियस को बुलाया गया था क्योंकि कुछ ही वक्त पहले उसने जॉब छोड़ दी थी। पीटर को बुलाया गया था क्योंकि जिस दिन वो पागल आया था उसी दिन पीटर उस बैंक में आया था, तो उनके पास लिस्ट होती है कि कौन कौन उस दिन बैंक में आ चुका था। और क्रिस को बुलाया गया था क्योंकि उसके हाथ के ऊपर वही टैटू बना होता है। यहाँ पर वो सभी लोग एक झूठी मूठी कहानी बता देते हैं, जैसे कि क्रिस बोलता है कि ये टैटू तो बहुत सारे लोगों के हाथ में बना हो सकता है। टोबियस को तो सबने देखा ही था कि वो क्या हरकतें करते हुए पकड़ा गया था। और पीटर भी यहाँ पर नॉर्मली बैंक में आया था, ऐसा बोल करके चला जाता है। पर अब हम नेक्स्ट सीन में पीटर की वाइफ को देखते हैं, जिसे कि वो सारे पैसे मिल जाते हैं और अब वो इसके बारे में पीटर से झगड़ा करती है। तो यहाँ पर पीटर उसे अपनी टीम में ले लेता है और अब ये सभी लोग मिल करके एक प्लान बनाते हैं। अभी तक एलिजाबेथ ने मैक्स को नहीं देखा होता है, तो मैक्स अभी भी उसके शक की निगाहों से बाहर होता है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग चोरी का इल्ज़ाम डायरेक्टर के ऊपर डाल देंगे और एलिजाबेथ को ये बात विश्वास दिलाने में मैक्स उसकी हेल्प करेगा। यहाँ पर जब उनकी पूछताछ चल रही थी तो क्रिस ने देख लिया था कि एलिजाबेथ के फ़ोन में एक ऐसे ऐप का मैसेज आता है जहाँ पर लोग ऑनलाइन डेटिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो उसी ऐप पर मैक्स की एक बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बनाते हैं, जिसे देख करके एलिजाबेथ इम्प्रेस हो जाती है और वो लोग अपनी फर्स्ट डेट के लिए जाते हैं। डेट के लिए मैक्स वही जगह डिसाइड करता है जहाँ पर हर हफ्ते उसी दिन उसी वक्त पे डायरेक्टर अपनी किसी ना किसी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। यहाँ पर जब वो आता है तो पीटर उससे गलती से लड़ जाता है और एक बैग नीचे गिरा देता है। तो डायरेक्टर उसे बैग उठा करके देता है, जिसकी वजह से उस बैग पे उसके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। अब थोड़ी देर पे यहाँ पर एलिजाबेथ और मैक्स आते हैं और फिर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर बातों बातों में मैक्स एलिजाबेथ को उसी डायरेक्टर के बारे में पूछ रहा होता है और फिर धीरे धीरे करके वो उसके दिमाग में ये बातें डालने लगता है कि हो सकता है कि चोरी उसने करी हो। दूसरी तरफ इसी वक्त में उसी बैग के अंदर कुछ पासपोर्ट और एक फ्लाइट का टिकट वगैरह रख करके वो लोग वो बैग डायरेक्टर के घर में रखने के लिए जाते हैं। ये काम होता है क्रिस और टोबियस का। वो लोग जैसे तैसे करके खिड़की से ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ पर उनके हाथ पैर भी टूट रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो लोग बैग रख देते हैं, पर जब वो लोग वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी उसी घर में उसकी वाइफ आ जाती है, जो कि आवाज़ सुन करके ऊपर जाती है। पर तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में उस डायरेक्टर की वाइफ क्रिस की गर्लफ्रेंड होती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और वो खुद अपने हस्बैंड से परेशान होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही घटिया आदमी होता है, पर सेम टाइम में वो खुद भी ऐसे ही काम कर रही होती है। तो क्रिस उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है और वो मान जाती है, और इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस अपने उन्हीं दोस्तों से मिलता है और उनसे बोलता है कि वो भी अपने हाथ में सेम वैसा ही टैटू बनवा ले जैसा कि क्रिस ने बनवाया था। और वो उसे पैसे देते हैं एक बार फिर से जेल में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें जेल में मज़ा आया था और उन्हें जेल में जा करके अच्छा लगा था। अब एलिजाबेथ उन दोनों को भी पकड़ लेती है, तो वो लोग कहते हैं कि उन्होंने चोरी खुद से करी थी और उन्हें चोरी करने के लिए डायरेक्टर ने बोला था। तो वो लोग डायरेक्टर के घर पे छापा मारते हैं, जहां पर उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं, और ये पैसे वहां पर क्रिस ने ही रखे होते हैं। इस पैसे में से 4 करोड़ कम होते हैं, पर फिर भी मोस्टली पैसे मिल चुके होते हैं। तो एलिजाबेथ ये बोलती है कि बाकी बचे हुए पैसों का मामला अब उसका नहीं है और इसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट है। और इसी के साथ उसका ये केस क्लोज हो जाता है और अब उसकी और मैक्स का रिलेशनशिप भी चल रहा होता है। और एंड में आकर उन चारों को ही 1-1 करोड़ यूरोज मिल जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम देखें तो पर्सनली इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स होते हैं,
मतलब कि एलिजाबेथ मूवी की शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वुमेन दिख रही होती है, पर एंड में आकर वो बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती है। अगर वो ये पता लगा लेती कि टोबियस ने जॉब छोड़ दी थी और उसके कौन कौन से क्लाइंट थे जिनका उसकी वजह से घाटा हुआ था, तो उसे आसानी से उन तीनों का नाम मिल जाता और केस वहीं पर सॉल्व हो जाता। और अगर नॉर्मली कोई इन्वेस्टिगेशन करता तो ऐसा करता भी, पर मूवी में यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाया गया। और उस ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर वो किसी भी लड़के को स्वाइप कर सकती थी, पर उसने मैक्स को ही किया, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। और इसी तरीके से इस मूवी में काफ़ी सारे होल्स हैं। और इसी के साथ मेरा एक्सप्लेन यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।